सब्सक्राइब कीजिए शेरगनी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरा नाम है शेरगनी और आप देख रहे हैं शेरगनी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओ न्यू अपडेट के बारे में। एमओ पर एक ऐसा अपडेट आया हुआ है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आपका होश उड़ जाएगा। ये अपडेट तो व्हाट्सएप में मौजूद था लेकिन एमओ में नहीं है। मेरे पास अभी पुराना एमओ है, ठीक है। एमओ को मैंने आप भाइयों के सामने ओपन कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर ये रहा मेरा पास एमओ। एमओ को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये देखें पहले जैसा, मतलब अभी ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। मुकम्मल गौर से आप देखिएगा और अपडेट करने के बाद भी आप भाइयों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये कोने में तीन टिक का निशान है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे सेटिंग में, ठीक है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर कोई भी प्राइवेसी सेटिंग नहीं है। अब इसको मैं अपडेट करूँगा, अपडेट करने के बाद आप भाइयों को पता लग जाएगा कि इसमें कितनी चेंजिंग आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं आईमो लिख देता हूँ और यहाँ पर आप भाइयों को नज़र आ रहा है अपडेट लिखा हुआ है। अगर आप भाइयों ने अपडेट किया हुआ है तो आप भाइयों के यहाँ ओपन आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद फिर इस में जो चेंजिंग है वो आप खुद देख पाएंगे, ठीक है। ये कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा फिर मैं आप भाइयों को यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ प्ले स्टोर से, ठीक है। ये देखे 100 हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। इसके बाद फिर मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखे यहाँ पर अब हमारा पास ओपन का ऑप्शन है, हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कितने चेंजिंग इसमें आ गए। यहाँ पर ये देखें साइड में जो है, यहाँ पर अगर हम किसी को वॉइस एसएमएस भेजना चाहते हैं तो यहाँ से हम भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ निशान आ गया। इसके अलावा अगर किसी ने आपको वॉइस एसएमएस की हो तो बाहर से आप उसको ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। ये कोने में तीन टिक का निशान है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये भी एक अपडेट आया हुआ है। फिर इसके बाद मैं फिर आऊँगा सेटिंग में, लेकिन पहले यहाँ पर मैं आप भाइयों को लेकर आता हूँ ऐड फ्रेंड पर। ऐड फ्रेंड पर ये है फ्रेंड्स के, पहले तो इस तरह होता था कि जब भी आप कोई नंबर सेव करता था उसके नंबर पर आईमो होता था तो ऑटोमेटिकली आपके पास एसएमएस आता था कि इस नंबर पर आईमो है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि अगर किसी को आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर पाएंगे और किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक भी कर पाएंगे। पहले भी आप ब्लॉक कर सकते थे लेकिन अब अपने मन पसंद का आप जो है ना कोई भी नंबर यहाँ सेव कर पाएंगे। ये देखे एड बाई फ़ोन नंबर, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप किसी भी आईमो को, अगर आप मतलब किसी नंबर पर आईमो बनी हुई है और आप उस नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास वो मतलब सेव हो जाएगा, फिर आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर फिर मैं ये तीन टिक के निशान के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग को मैंने ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखे, यहाँ पर हमारा पास प्राइवेसी सेटिंग आ गया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ऊपर ये ऑप्शन है लास्ट सीन, ठीक है। यानी आप अगर ये देखें, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद तीन ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। एक ये है कि ये ऊपर वाला ऑप्शन, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हर कोई हमारा एमओ देखेगा कि ये कब मतलब इसका एमओ ऑन था, कब ऑफ था, मतलब हर किसी को पता लगेगा। और अगर हम यहाँ पर माय कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसके पास हमारा नंबर सेव होगा उसको पता लगेगा
जिसका जिसके पास हमारा IMO नंबर सेव होगा उसको पता लगेगा कि किस टाइम एक्टिव था और किस टाइम एक्टिव नहीं था। और अगर यहाँ पर ये देखे नीचे तीसरे नंबर पर अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो चाहे हमारा फ्रेंड्स हो या ना हो, किसी के पास हमारा मतलब नंबर हो या ना हो, उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये किस वक्त एक्टिव था और किस वक्त एक्टिव नहीं था। हम जब भी चाहे मतलब इंटरनेट को अगर ऑन करें फिर भी उसको पता नहीं चलेगा, और अगर हमारा इंटरनेट बंद होगा फिर भी उसको पता नहीं चलेगा कि ये इस वक्त ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर इसी के बारे में। अच्छा, इसके अलावा प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो मतलब अगर आपने IMO के ऊपर कोई तस्वीर लगाई हुई है तो आप उसको किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब हर किसी के साथ, सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें अपडेट आई हुई है, दो तीन चीज़ें थे जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई होगी और आप भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब में लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आप भाइयों को हमारा वीडियो अच्छी लगती है और हमारा वीडियो से फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।